नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रूपुंजी में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे मीडिया सेक्टर के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज के दिन सबसे ज्यादा जो अपट्रेंड देखने को मिला है वो मिला है मीडिया सेक्टर में। मीडिया सेक्टर ने आज के दिन ऑलमोस्ट 6% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और मीडिया सेक्टर के जो स्टॉक है जिल, TV18 ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क 18, सन TV, PVR, ये सभी स्टॉक ने आज के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। जहाँ जिल ने 16.5% की, TV18 ने ऑलमोस्ट 5% की, नेटवर्क 18 ने भी ऑलमोस्ट 5% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। दोस्तों सबसे पहले हम मीडिया सेक्टर की एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में मीडिया सेक्टर के जो स्टॉक्स है उन स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे कि हमें सभी स्टॉक में से किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस स्टॉक में हमें और अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज लिमिटेड स्टॉक के बारे में जानेंगे, जिसमें आज के दिन हमें 16.5% से ज्यादा की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। और उसके बाद में मीडिया सेक्टर के सभी स्टॉक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि किस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और साथ ही दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड सभी न्यूज हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोस्तों जी इंटरटेनमेंट में जो न्यूज है वो न्यूज ये है कि जी इंटरटेनमेंट में जिसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्को, जिसका 7.74% का स्टेक है, वो जी और सोनी का मर्जर के लिए पहले ना बोल रहा था, लेकिन अभी उसने हाँ बोल दी है, उसकी सहमति आ चुकी है इस डील के लिए, मर्जर के लिए, जिसका इम्पैक्ट आज के दिन हमें जी इंटरटेनमेंट के स्टॉक में काफी अच्छा देखने को मिला है। जी इंटरटेनमेंट के स्टॉक ने आज के दिन गैप अप ओपनिंग दी और 20% तक की पॉजिटिव अपट्रेंड दिखाया था, लेकिन स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 16.5% की। दोस्तों जी इंटरटेनमेंट का मीडिया सेक्टर में जो वेटेज है वो है 27% का और PVR का जो वेटेज है वो है 19% का। आज के दिन हमें जी इंटरटेनमेंट में इतना अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट हमें मीडिया सेक्टर में भी देखने को मिला और मीडिया सेक्टर ने आज के दिन ऑलमोस्ट 6% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। दोस्तों अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो आज के दिन जिस तरह जी इंटरटेनमेंट में गैप अप ओपनिंग दी, उसी तरह मीडिया सेक्टर ने भी गैप अप ओपनिंग दी। आप देख सकते हैं काफी टाइम से मीडिया सेक्टर कंसोलिडेट हो रहा था और आज के दिन गैप अप ओपनिंग दी है। दोस्तों हमें मीडिया सेक्टर में डेली पर और वीकली पर एक अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला है और इस टाइम पर मीडिया सेक्टर 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है वीकली पर, इसलिए हमें मीडिया सेक्टर में कुछ टाइम और अपट्रेंड देखने को मिल सकता है या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन काफी अच्छा अपट्रेंड देखने को मिला है तो कुछ टाइम तक हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज स्टॉक की, जिसने आज के दिन गैप अप ओपनिंग दी और अपने रेसिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम तो हमें काफी अच्छा देखने को मिला ही है, जो आपके सामने है आप देख सकते हैं क्या वॉल्यूम देखने को मिला हमें जी इंटरटेनमेंट के स्टॉक में। दोस्तों हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ 330 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास जी इंटरटेनमेंट के स्टॉक है तो दोस्तों SL आपका बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएगा, जो आपका रहेगा 215 की प्राइस पर, क्योंकि आज के दिन हमें इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 42 पॉइंट का अपट्रेंड देखने को मिला है। 307 का हाई था और स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 298 की। हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ 330 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टॉक की, जो है TV18 ब्रॉडकास्ट, जिसने आज के दिन अच्छा खासा अपट्रेंड दिखाया और अच्छा खासा वॉल्यूम भी था, लेकिन स्टॉक ने अपने रेसिस्टेंस से नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। अगर TV18 अपने रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी कि 78 और 79 की प्राइस पर क्लोजिंग देता है, तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ 85 और 90 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाए थे, जहां हमने क्लियर कहा था कि आप इस स्टॉक को 55 का SL मेंटेन करके इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, जहां से हमें इस स्टॉक में कई बार अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अपट्रेंड देखने को मिला है।
परफेक्ट, इस स्टॉक ने 56 की प्राइस से रिवर्सल दिखाया था इस बार भी। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे जो है नेटवर्क 18। दोस्तों नेटवर्क 18 और टीवी 18 पर हमने वीडियो बनाया था जहां मैंने ये कहा था कि नेटवर्क 18 में हमें कंटिन्यू कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां हमें नेटवर्क 18 में सिर्फ 4 दिन के अंदर जो अपट्रेंड देखने को मिला था उसके बाद में डाउनफॉल देखने को मिला और काफी टाइम तक कंसोलिडेशन देखने को मिला। और इस बार हमें इस स्टॉक में अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिला है और नेटवर्क 18 ने अपने रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है विद वॉल्यूम। दोस्तों अगर आपके पास नेटवर्क 18 के स्टॉक है तो 70 का SL मेंटेन करके आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक 95 के ऊपर और 96 की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम इस स्टॉक में 110 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानेंगे जो है सन टीवी। दोस्तों सन टीवी सिर्फ एक ही रेंज में घूम रहा है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें इसमें ना ही कोई बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और ना ही बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यानी कि 490 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में 520 और 530 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये 450 के नीचे क्लोजिंग देता है तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में 410 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये इस ट्रेंड में चल रहा है तब तक हमें इस स्टॉक में ना ही बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ और ना ही नीचे की तरफ। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो है नजारा टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मंथली पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में हमें कितना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। दोस्तों नजारा टेक्नोलॉजी में हमें ऑलमोस्ट 48 से 49% का डाउनफॉल देखने को मिला है जो आपके सामने है। मंथली पर मैंने आपको दिखा दिया है जो इसका हाई था 3,350 का और अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है 1,720। 48% का डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। दोस्तों नजारा टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो 1,450 का SL मेंटेन करके आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको इस स्टॉक में ऊपर की तरफ बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। आज दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।